Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hopefully आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ. तो guys अगर आप लोग अब तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को मेरे तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. और ये व्लॉग मैं बहुत टाइम के बाद बनाई तो ज़रूर एंड तक देखिए. सो guys वॉच एंड एंजॉय. तो guys हम लोग आज कहीं बाहर जाने वाले हैं वीकेंड पर, तो हम लोग अब निकल चुके हैं. तो गाइज़ देखिए हम लोग जाकर ऑटो लेने वाले हैं और हम लोग रास्ते में हैं, ऑटो लेने के लिए जा रहे हैं. तो गाइज़ फाइनली हम लोग रीच हो चुके हैं जहां हमको आना था. तो हम लोग आए हुए हैं यहां लेज़र शो देखने, नेकलेस रोड. तो गाइज़ अभी हम लोग गलत लोकेशन पर उतरे या फिर हम लोग पहले उतर गए नहीं मालूम हुआ. तो देख एज़ यूजल पहले कितना गलत जगह पर उतर गया, अब हम लोग हमारे लोकेशन पे जाने वाले हैं. तो गाइज देखिए आप लोगों को नज़ारा दिखाती हूँ मैं. तो गाइज देखिए ये हैदराबाद में जो बनी नया सेट रेकोरेटेड बना वहाँ पे ये मार्टियर्स मेमोरियल है, वो बिल्डिंग है आगे तो आप लोग को दिख सकता. ज़रा सनलाइट थी तो सही नहीं दिख रहा था. हम लोग ये साइड है समझे, बट वहाँ नहीं था. फिर हम लोग स्ट्रीट जा रहे हैं बिल्डिंग से आगे आगे, तो मैं आप लोगों को सब दिखाते हुए चलूंगी. तो जरूर देखते रहिए. गाइज आगे हम लोग सेक्रेटरीट बिल्डिंग के पास जो कि नया बना हुआ है, नया बनाया सो है KCR अन्ना. तो गाइज देखिए आप लोग सनसेट में इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था और आप लोगों को क्लोजर लुक आगे चल के दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखते रहिए. गाइज जो मैं आप लोगों को बताया अभी जो दिया था वो मैट्रियल मेमोरियल, उसकी गेट है ये एंट्रेंस की एकदम सेक्रेटेड के अपोजिट. तो ये कोई पार्क है शायद, गाइज समझ में तो नहीं आ रहा था, नए नए रास्ते दिख रहे थे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमको जाना है. तो गाइज देखिए ये सेक्रेटेड का क्लोजर लुक और यहाँ पर BR अम्बेडकर का स्टैचू बना बहुत बड़ा, वो देखिए आप लोग को यहाँ से दिखा रही हूँ मैं थोड़ा क्लोजर लुक. तो गाइज हम लोग आ गए हमारे लोकेशन पे, यहाँ पर होता है लेज़र शो. तो आप लोग देखिए यहाँ पर, तो गाइज देखिए यहाँ पर आकर पूरे लोग ठहरे हुए हैं लेज़र शो होता समझ के. तो हम लोग भी यहाँ पर आकर रुके हुए हैं. तो आगे आगे आप लोगों को दिखाते रहूँगी मैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कितनी सारी ट्रैफिक और इतने लोग थे यहाँ पर जमा हुए हुए, तो देख सकते आप लोग. सो गाइज देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था नज़ारा यहाँ का. तो फाइनली हमको अब यहाँ पे बैठना है मगरिब तक, तब होगा यहाँ पे लेज़र शो. तो तब तक आप लोग ये शिप्स का पानी का मज़ा लीजिए और देखते रहिए. तो गाइज ये बिल्कुल सेक्रेटेड के ऑपोजिट में है जो ये लेज़र लाइट शो है. तो गाइज देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सब बना हुआ है, पाइपिंग करी हुई करा हुआ है सब यहाँ पे, इसमें से पानी निकलता और डांस करता क्या करता अब देखूँगी तो दिखाऊँगा. थोड़े से पोजा मारी हूँ गाइज हमारी कज़न के साथ, चूँकि मेरी छोटी मम्मी बनते हैं ना हमेशा, तो उनके साथ.
तो गाइस देखिए पीछे के लोग आए देख रहे थे मेरे को, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकी इसमें, बोली सो भी मैं नहीं डाल सकी, सो सॉरी। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बैठ कर आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खाते खाते ये नज़ारा देखते हुए मज़े करते हुए एक आइसक्रीम खा रहे थे। तो गाइस देखें यहाँ पर बैठ गए हम लोग आखिर कब होता बोल के, तो या मैं तो मज़े कर रही हूँ। ये हैवमोर का आइसक्रीम है टॉबोकोन, तो यहाँ पे वो आइसक्रीम ये सब चीज़ें बहुत सारे मिलती लाइक, तो मैं यहाँ पे आइसक्रीम खाना पसंद कर रही हूँ, वो खा रही हूँ। तो गाइस ये शो आखिर कब स्टार्ट होता बल्कि हो रहा था, स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं शिप्स यहाँ पे, शिप्स के लाइट्स भी ऑन हो गए क्योंकि अब शाम होने लगी थी और अंधेरा होने वाला था, और यहाँ पे इतने सारे बैट्स आ गए गाइस। अंधेरा होते होते हम लोग को तो डर हो रहा था, बैट्स मतलब वो ट्रैकोला लाइक क्या क्या बोलते उसको, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो क्या बोलते कुछ बोलते याद भी नहीं आ रहा। तो गाइस देखिए बैट्स तो मालूम ही छूंगे आप लोगों को, तो ये हमला समझे थे कि ये कव्वे है या फिर चीला है, बट वो बैट्स थे। और ये सेक्रेटेड के लाइट्स ऑन हो चुकी थे, और गाइस यहाँ पे हमने इंतज़ार करते करते बुरा हाल हो रहा था क्योंकि इतनी गर्मी है और रोड पर ट्रैफिक थी पीछे पूरी, तो देख सकते हैं आप लोग कितनी ट्रैफिक है। एंड बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया बैठ के, देखिए आप लोग वहाँ पे सेक्रेटेड। तो गाइस फाइनली रात हो चुकी है, तो आप लोग देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा था पानी में, सारे लाइट्स दिख रहे थे कॉर्नर। 2000 years later उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे क्रीम सोडा आइसक्रीम खाने, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंजॉय नहीं करे तो हम लोग यहाँ आ गए। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेन्यू देखा जा रहा, और बहुत सारी भीड़ थी यहाँ पे, हम लोग लेट आए थे 9 बज गए थे। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम रेडी हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा बन रहा है आइसक्रीम, सो यम्मी नो गाइस, सो बट बहुत गंदी सर्विस है यहाँ। ऑलमोस्ट बहुत टाइम के बाद आई थी मैं यहाँ पे, लाइक 4-5 ईयर्स के बाद आई मैं, तो हमेशा घर पे ऑर्डर करके ही खाती हूँ मैं ये। तो गाइस आ गया देखिए हम लोग का आइसक्रीम, तो मेरा है क्या डिलैंड, इन दोनों का है डेथ बाय चॉकलेट, और एक था कुछ था फज था कुछ, तो देख सकते हैं आप लोग। और गाइस देखिए हम रेडी हो गए वापस जाने के लिए, तो आप लोग साथ में इंटीरियर देख लीजिए, इंटीरियर अच्छा था बट सर्विस बहुत ही ख़राब थी। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो गया, तो हम लोग अभी वापस जाने वाले हैं। और गाइस देखिए हम लोग आ गए थे आइस मैजिक, और यहाँ पे भी एक ट्रैजिक हो गई क्योंकि यहाँ पे भी फुल ऑन लोग आते और जगह ही नहीं थी सीट्स बैठने, तो हम लोग सिर्फ ऑर्डर देके पार्सल घर जाने के लिए यहाँ पे वेट कर रहे। सो वेल दैट्स इट गाइस, इतना था व्लॉग, और हम लोग बाहर गए थे वो फ्लॉप था क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लेजर शो है समझे थे बट था नहीं वहाँ पे, और हम लोग भी खुफों के समझ ठहरे हुए थे और पूछे भी नहीं किसी से, फिर वो वैसे ही छोड़ के वैसे घर को वापस आ गए, खाली बैठ बैठ के थर थर के पागल हो गए वापस आ गए। फिर हम लोग सोचे कि कहीं खाने जाएंगे, चलो जाएंगे, बोले वहाँ पे भी फ्लॉप, वहाँ पे भी फुल लॉन, वहाँ पे तो कुछ सर्विस अच्छी नहीं थी क्रीम स्टोन पे। और फिर हम लोग आइस मैजिक गए थे, वहाँ तो फुल थे लोग, तो फिर वहाँ से पार्सल लेके हम लोग घर आ गए थे। वेल दैट्स इट, इतना ही था ये व्लॉग, फिर अगर मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, अभी तो बहुत टाइम हो गया था, तो मैं ज़रूरी सोची कि अब व्लॉग ज़रूर डालूँ मैं, तो डाल दी गाइज। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और आप लोगों को पसंद भी आऊँगा मेरा व्लॉग, अगर पसंद आ गया, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन खुद का ख्याल रखिए और खुद से प्यार करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।